प्रिय विद्यार्थियों, इंटरमीडिएट में अध्ययन कर रहे, इंटरमीडिएट में पहुँचे जितने भी विद्यार्थी हैं, समस्त विद्यार्थियों को शुभकामना देते हुए, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए, मैं इस अगर्ल विद अ बास्केट का पांचवा संस्करण आपके लिए, पांचवा पार्ट आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। और एक्सप्लेनेशन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होगा, आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कम्प्लीटली। माई आर्म्स वेयर फुल, विलियम सी डगलस ने कहा कि माई आर्म्स वेयर फुल, जब मैंने तमाम सारी चीज़ों को तमाम अलग अलग लोगों से ख़रीद लिया, बास्केट्स एंड फैंस, तो उसके बाद कहते हैं माई आर्म्स वेयर फुल, मेरी भुजाएँ, मेरे बाँह भर चुकी थी, अर्थात अब मेरे पास कोई खाली जगह नहीं था, मैं पूर्ण रूप से भर चुका था। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं था, लेट अलॉन्ग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, और दूसरी टोकरी के लिए कोई आवश्यकता भी नहीं थी, कोई ज़रूरत भी नहीं थी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में कहा उन्होंने, बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, बैलेंसिंग संतुलित करते हुए माई बास्केट्स अपनी टोकरियों को एंड फैंस और पंखों को ऑन माई लेफ्ट आर्म अपनी बाएं भुजाओं पर, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने कोट के दाहिने जेब में गया, अर्थात अपने दाहिने जेब से मैं अपने कोट के दाहिने जेब में मैंने अपने हाथ डाली, एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी चेंज अर्थात सिक्के को, खुले पैसे को निकाला, परहैप्स शायद 15 सेंट्स इन ऑल, शायद वे कुल मिलाकर के 15 सेंट रहे होंगे, व्हिच जिसे आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जिसे मैंने उस टोकरी में डिपॉजिट कर दिया, रख दिया, जमा कर दिया, दैट जिसे अर्थात जिस टोकरी को द यंग गर्ल, उस नन्ही सी बालिका ने अर्थात उस छोटी सी बच्ची ने हेल्ड ऊंचा पकड़ा हुआ था, बिफोर मी, मेरे सामने, इम्प्लोरिंगली, याचना पूर्वक, अर्थात दैट जिसे अर्थात जिस टोकरी को उसने मेरे सामने, उस छोटी सी नन्ही सी बालिका ने मेरे सामने याचनापूर्वक उठाए, पकड़ी हुई थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, अर्थात व्याख्या करने की कोशिश की, अर्थात यह बताने की कोशिश किया कि दैट कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं इस टोकरी को खरीद नहीं सकता, बट extended the gratuity as a substitute, but extended the gratuity, extended माने दे दिया, the gratuity माने दान, अर्थात उपहार के रूप में, as a substitute उसके स्थान पर। उन्होंने कहा कि मैंने explain करने की कोशिश की, व्याख्या करने की कोशिश किया कि I could not buy the basket, मैं उस टोकरी को तो खरीद नहीं सकता, but extended the gratuity as a सब्स्टिट्यूट, किंतु उसके स्थान पर, अर्थात खरीदने के स्थान पर, खरीदने के सब्स्टिट्यूट में मैंने मैंने द ग्रेचुइटी, उस दान को एक्सटेंडेड दे दिया, अर्थात उपहार दे दिया। आई रियलाइज्ड एट वंस, मैंने तुरंत ही अनुभव किया, अर्थात मुझे तुरंत ही महसूस हुआ, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने क्या अपराध कर दिया, कितना बड़ा अपराध मैंने कर दिया था। दिस चाइल्ड ऑफ 9 साल की यह बच्ची जो ड्रेस्ड इन रैक्स, जो फटे पुराने कपड़ों को पहनी हुई थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और स्टारवेशन मीन्स भुखमरी, एज माने किनारा अर्थात कोना, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, जो भुखमरी के किनारे पर थी, अर्थात भुखमरी के कगार पर थी, रेज्ड हर चिन, अपनी टुड्डी को उठाया, अर्थात अपने मुख को ऊपर उठाया, रीच्ड इन टू द बास्केट, टोकरी में गई, अर्थात टोकरी में पहुंची, अर्थात अपनी टोकरी में उसने हाथ डाले, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ लेडी, और एक औरत के, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ लेडी, और एक औरत के पूर्ण गर्व एंड ग्रेसियसनेस, और गौरव के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे उस धन को वापस कर दिया, जिसे मैंने उसके टोकरी में रखा था, वो टोकरी में हाथ ले जा करके वह टोकरी निकाली, और मुझे एक औरत के पूर्ण गर्व और ग्रेसियसनेस, गौरव के साथ, उसने उस धन को, और जिसे मैंने दिया था उसे, उसने मुझे वापस कर दिया। देर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू,
देरबाज मनली मन थी, केवल एक चीज बची हुई थी, अर्थात केवल एक चीज थी जिसे आई कुड डू, जिसे मैं कर सकता था। और उन्होंने आगे कहा, आई बॉट द बास्केट, मैंने उस टोकरी को खरीद लिया। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों को पोंछा, स्माइल्ड, हंसी, मुस्कुराई, उसने अपने आंसुओं को पोंछा, अपने आंखों को पोंछा, स्माइल्ड, मुस्कुराई एंड डैश डाउन द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म से नीचे कूद पड़ी। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, कुछ घास फूस की झोपड़ियों से बने हुए झोपड़ी की ओर, कुछ घास फूस की झोपड़ियों की ओर हेडेड माने चल पड़ी। दैट की वुड हैव, उसके पास होगा एट लीस्ट, कम से कम 30 सेंट्स दैट नाइट, माने उस रात, इस विचार के साथ कि उस रात उसके पास कम से कम 30 सेंट हो गया था, वह घास की कुछ घास फूस से बनी हुई झोपड़ियों की ओर चल पड़ी। आई टोल्ड, फिर उन्होंने बताया कि इस कहानी को मैंने किसे बताया, उन्होंने कहा, आई टोल्ड द स्टोरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने इस स्टोरी को, इस कहानी को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया कि इट वॉज वन रीजन, कि यही कारण है कि आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, मैं भारत के प्रेम में पड़ गया। मतलब उन्होंने कहा कि मैंने इस कहानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू से जब लौट करके आया उस यात्रा से नई दिल्ली में, तो मैंने इस कहानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू से बताया एंड टोल्ड हिम, और मैंने यह भी बताया कि यही कारण है, इट वॉज वन रीजन, केवल यही एक कारण है कि आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, मैं भारत के प्रेम में पड़ गया था। द पीपल, अंतिम कंक्लूडिंग जो पैसेज है इस पैसेज में, वो पैरा में बताते हैं, द पीपल, वे लोग जिन्हें आई सॉ इन इंडिया, जिन्हें मैंने भारत में देखा, दोज इन विलेजेस एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, दोज उन लोगों को, इन द विलेजेस, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, एज वेल एज और दोज और उन लोगों को, इन द हाई ऑफिस और जो उच्च सरकारी ऑफिसों में काम करने वाले हैं, दोनों ही रखते हैं, क्या रखते हैं, प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिकेंसी एंड सिटीजनशिप, दोनों ही गर्व एंड लिवली सेंस और सजीव भाव रखते हैं ऑफ डिकेंसी, विनम्रता की के प्रति, एंड सिटीजनशिप और नागरिकता के प्रति, वे दोनों ही लोग जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, चाहे वे गांव में रहने वाले देहाती लोग हों या उच्च ऑफिसों में काम करने वाले पढ़े लिखे लोग हों, है बोध, दोनों ही प्राइड एंड लिवली सेंस रखते हैं, हैव माने रखते हैं, बोध माने दोनों ही लोग रखते हैं प्राइड एंड लिवली सेंस, गर्व और सजीव भाव ऑफ डिकेंसी एंड सिटीजनशिप, विनम्रता एंड सिटीजनशिप और नागरिकता के प्रति, दोनों ही प्रकार के व्यक्ति विनम्रता और सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता के प्रति गर्व और सजीव भाव रखते हैं। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके पास फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के प्रति एक भाव भी है, अर्थात वे स्वतंत्रता के प्रति एक भाव भी रखते हैं, एक विशेष प्रकार का भाव भी रखते हैं। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, इस सुंदर बच्ची ने बॉर्न इन स्क्वालर, स्क्वालर मीन्स गंदी बस्ती, जो गंदी बस्ती में पैदा हुई थी एंड पावर्टी और गरीबी में पैदा हुई, जो गंदी बस्ती और पावर्टी अर्थात गरीबी में पैदा हुई थी, जो अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी, अनजान थी, इन बोध ग्रामर एंड मैनर, ग्रामर मीन्स ज्ञान, पाठ्यक्रम के ज्ञान, देश दुनिया के ज्ञान से, एंड मैनर्स और तौर तरीकों से, रहन सहन के ढंग से, अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी, अनजान थी, उसने हैड गिवन मी, उसने मुझे दे दिया था अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसने मुझे ग्लिम्स अर्थात झलक दे दिया था, किसका झलक दे दिया था, ऑफ द वार्म सोल
जीवंत आत्मा की झलक दे दिया था ऑफ इंडिया माने भारत की, उसने मुझे भारत की जीवंत आत्मा की एक झलक दे दिया था। धन्यवाद विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाठ ही समाप्त होता है। इस पाठ से जितने भी एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेनेशन है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट टू द एक्सप्लेनेशन विल बी एक्सप्लेन्ड टू यू बिफोर यू इन द क्लास। इसी के साथ मैं इस पाठ को समाप्त करता हूँ, और यदि कोई कमी हो इस पाठ में, इस किसी भी प्रकार से आपको कोई कमी नज़र आए, तो आप भली भांति अच्छे से आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अच्छे से पढ़ाई करिए। इसी सद्भावना के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।